नमस्कार, नेशन वन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। उत्तराखंड को रेलवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इससे एक तरफ जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना को गति मिलेगी, तो वहीं देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से हरिद्वार और देहरादून दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जिनको विकसित करने और उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है। हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के ठीक ऊपर 45 से लेकर 117 मीटर चौड़ा रूफटॉप प्लाजा बनेगा। यही नहीं, 9 अन्य स्टेशनों पर भी आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर बताया कि ये रकम साल 2009 से 2014 की तुलना में 27 गुना ज्यादा है। साल 2009 से 2014 में ये महज 187 करोड़ रुपए था। इस बजट से देहरादून और हरिद्वार को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की सरकार की योजना है। आपको बता दें, साल 2023 में रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को पड़ोसी राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक राशि मिली है। बात अगर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की करें, तो हिमाचल प्रदेश को 1538 करोड़, पंजाब को 4,762 करोड़ और हरियाणा को 2,247 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 105 करोड़ की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां से 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन करने के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण और नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन पर।